हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता 2019 ऑनलाइन आवेदन। बेरोजगारी भत्ता 2019 के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा और कौन कौन एलिजिबल है सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है। और दूसरी फ्रेंड्स, मैं सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ इस चैनल पर। हमारी एक पूरी टीम है जो आपको पूरे जो करंट अफेयर प्रोवाइड कराएगी, जीके की वीडियोस प्रोवाइड कराएगी, तो हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। हमारा टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहाँ पर सारे कई फॉर्म्स वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ दी जाती है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में बताई जाती हैं। हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम का ग्रुप, जिसपे आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आपका कोई भी डाउट करिए आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर उनको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है स्टडी मास्टर, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी तरफ से हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो भारत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता लागू करने की बात की है, तो बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना लॉन्च कर दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता योजना लॉन्च कर दिया, और इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट ने किया मैं वो आपको अच्छे से बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल में बता दूंगा और आप क्या कैसे आवेदन कर सकते हैं पूरी चीज़ें आप देख थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो इलेक्शन के बीच सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसको बोलते हैं बेरोजगार युवकों के लिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत व्याकुल है। किसानों के कर्ज माफी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए जरूरी हो चुका है। सभी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने योजना चलाई है जिसका नाम है बेरोजगारी भत्ता। तो उसमें 3500 रुपये प्रति माह तक देने का प्रावधान है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन एलिजिबल हैं। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूंगा इसके अंदर कि अगर आप लोग मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो इतनी ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं है, मान लीजिए छोटे लेवल की प्राइवेट कंपनी है, तो आप प्राइवेट कंपनी के जॉब करते करते साथ में ये जो बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फ्रेंड्स, वो आपको बता दूंगा, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं है तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मतलब अलग से 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10th कर रखी है तो आपका बेरोजगारी भत्ता कुछ अलग होगा, 12th कर रखी है आपको थोड़े अलग पैसे मिलेंगे, ग्रेजुएशन कर रखी है अलग पैसे मिलेंगे, डिप्लोमा कर रखा है तो और मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 3500 रुपये मिलेंगे। अब बच्चों के माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि सर, क्या हम दो के लिए एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप दो के लिए एलिजिबल नहीं है। आप सिर्फ या तो 10th बेस्ड भर सकते हैं या 12th बेस्ड या डिप्लोमा बेस्ड या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड भर सकते हैं। आप अलग अलग अप्लाई करेंगे लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ एक ही, क्योंकि वहां पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो आपका जो आपके आइडेंटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। चलिए थोड़ी और डिटेल बता देता हूँ। यह योजना तो केंद्र सरकार की है लेकिन इसको स्टेट सरकारों ने भी अलग अलग लागू किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स में है। आप मुझे अपना कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपकी स्टेट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मान लीजिए कि हरियाणा से 100 कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि सर हम 100 कैंडिडेट से 100 कमेंट आए कि सर हम हरियाणा से हैं, हमें बताइए कि हमारा फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, तो वो मैं उनको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर मैं सेंटर के तरफ से जो लिंक प्रोवाइड किया गया वो बताऊंगा कि ये सेंटर की तरफ से लिंक प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर ये सेंटर की स्कीम भी है और स्टेट्स भी इसको लागू कर रही हैं, तो सेंटर ने कहा है कि सभी स्टेट्स लागू करें, जहां पर स्टेट नहीं लागू कर पा रही वहां पर आप सेंटर में अप्लाई कर दीजिए, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आपको पूरी चीजें डिटेल में बता देते हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कैसे, आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। मान लीजिए आप 21 ईयर के और 35 के बीच होने चाहिए, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जहां पर आपकी सैलरी 20,000 से कम है, और आप लोग फिर एलिजिबल है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके लिए भी मैं बताता हूँ, इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक कम से कम 12th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी नहीं है, ठीक है, ये अलग स्कीम के बारे में बताया गया। अगर आपके पास ओनली 12th पास है तो आप फिर भी बेरोजगार भत्ता के लिए मतलब एलिजिबल है। 12th पास के लिए आपको कम पैसे मिलेंगे, आपके पास अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आपको 3500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तो ये आपको 1000 से लेकर 3500 रुपये पर मंथ तक मिलेंगे। वो आपकी परसेंटेज बेस्ड हो सकता है, आपकी एजुकेशन बेस्ड हो सकता है, सारी चीजें मैं डिटेल में इसी वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। केवल बेरोजगार युवा ही इस योजना के आवेदन कर सकते हैं। पारिवारिक वार्षिक आय कुल मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम है मेरी पारिवारिक इनकम। चलिए बेरोजगार भत्ता के लिए जरूरी कागजात, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो बता देता हूँ। बेरोजगारी भत्ता में आवेदक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
दूसरा आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और वोटर कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ जरूर देख लीजिए, वो सेम होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर सेम नहीं हुई तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और आप फिर आप नेक्स्ट ईयर ही इसको भर पाएंगे, फिर इस साल आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, तो आप क्या वो तो इसी वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप नागरिक माने जाएंगे। आवेदनकर्ता के पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक फ्रेंड्स वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर वो आपको ईमेल भेजेंगे, क्योंकि जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आएगी, वेरिफिकेशन ईमेल, और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा। तो आपको ये मोबाइल नंबर गुम नहीं करना है या फिर बंद नहीं करना है। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि मोबाइल नंबर नया ले लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो आपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है वही फिर आपको चाहिए। इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कौन सी साइट खुल देती है मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसा मिलेगा, आप जॉब सीकर हैं, स्किल्ड मैन पावर है, एम्प्लॉयर्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे चेक स्टेटस, चेक स्टेटस पहले पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो भी मैं बता दूंगा पहले। और दूसरे पे चेक स्टेटस का मतलब है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। फर्स्ट पे क्लिक करके आप लोग रजिस्टर करेंगे, दूसरे पे क्लिक करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। चलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा, उसके बाद मोबाइल, अगर आप वेबसाइट पर पहली बार आए तो आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका मांगा जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद आपको इसका प्रिंटआउट लेना और संभाल कर रखना, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स ये तो सारी सेंटर की स्कीम है। अब बेरोजगारी भत्ता योजना है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और आपको कैसे आवेदन करना है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उन सभी युवाओं को जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन नौकरी नहीं लगी है हर महीने सहायता प्रदान करना चाहती है। तो कितनी सहायता फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1,000 से लेके 3,500 रुपये तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको बाकी सारे स्टेट स्पेसिफिक भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये लागू किया गया है और आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों ने घोषणा कर दी है कि जल्द शुरू की जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से में शुरू हो चुकी है। हरियाणा, पंजाब कौन कौन से में शुरू हो चुकी है मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और आप कैसे भर सकते हैं वो भी बताऊंगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है आपके होनी चाहिए इतनी। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कैसे करें वो मैंने लिंक आपको बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मान लीजिए लिंक नहीं दिया गया तो लिंक फिर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता आपको 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर 3,500 रुपये पर मंथ तक दिए जाएंगे। तो ये अब 1,000 किसको मिलेंगे और 3,500 किसको मिलेंगे वो मैं डिटेल में बताता हूँ। बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में पहले ही बता दी हैं। चलिए ये कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है जिसको हिंदी नहीं समझ आती तो वो पूरा पढ़ सकता है, मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पर इसको रख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए ये मैंने बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें रह गई हैं जो मैंने कहा था कि मैं बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स 1,000 किसको मिलेगा, जिसने 12th कर रखी है, 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि 10th वाले कैसे अप्लाई करेंगे और वो कौन से। आपको बेरोजगारी भत्ता जो मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया है अभी मैं बताता हूँ, ये जो लिंक है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, इसमें 12th और उससे ऊपर के कैंडिडेट जिन्होंने 12th कर रखी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको 1 साल होगा जॉब नहीं मिली तो आपको 3,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो आपको 2,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपको कितने कितने पैसे मिलेंगे। अभी कौन कौन सी सरकारों ने लागू कर दिया मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन, तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी आवेदन मांग रही है, अगर आप यूपी से हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक आपके जो जो आप कमेंट करेंगे उसी कमेंट पर आपको जो लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लीजिए मध्य प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पात्रता का पंजीकरण प्रक्रिया, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अभी रही बात फ्रेंड्स इसमें जो मैंने बात की थी कि हरियाणा और पंजाब की, तो फ्रेंड्स अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने फ्रेंड्स शुरू कर चुके हैं, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई। राजस्थान से कोई वीडियो देख रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपने लिए। सेंटर के लिए आप हरियाणा, पंजाब, यूपी कहीं से भी हैं, सेंटर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो मैंने लिंक दिखाया ये सेंटर का है, यहाँ पर आप भर दीजिए। अगर आपकी स्टेट में शुरू हो चुकी होगी योजना तो आपका फिर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन को उधर अपने आप ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर नहीं शुरू हुई तो आप सेंटर के लिए एलिजिबल हैं, आप सेंटर में अप्लाई कर दीजिए। अभी बता देता हूँ हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और इसके साथ बिहार और उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में अभी योजना लागू
करने की बात की जा रही है। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, जहां जिन जिन स्टेट्स में भी इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर इलेक्शंस के बाद होगी, क्योंकि अभी ये योजना लागू करना वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा रश हो जाएगा गवर्नमेंट पर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए भी वहां पर नहीं। हरियाणा और पंजाब में अभी लागू नहीं हुई है, ये जैसे ही लागू हो जाएगी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कब लागू हो चुकी है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट रहेगा, कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मिल जाएगा। और आप स्टडी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, कोई डाउट करे तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।